विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लोगों ने जाम किया सड़क। 10 दिन से लगातार रात में गायब होती रहती है तुलसीनगर फीडर की लाइट। लोगों में आक्रोश, घंटों किया सड़क जाम। घटना नगर कोतवाली अंतर्गत चमरोड़ी चौराहे की है। नवबारा समाचार बांदा उत्तर प्रदेश से साकेत अवस्थी। मेरा नाम चंदमान गुप्ता है, मैं चमरौड़ी चौराहे गायत्री नगर का निवासी हूँ। यहाँ 3 दिन से बराबर जो है लाइट की समस्या बनी आ रही है। कहीं जम्फर उड़ जाता है, कहीं ट्रांसफार्मर फूक जाता है, किसी मोहल्ले की लाइट आ रही है तो किसी की नहीं आ रही है। इतना ज़्यादा लोड बढ़ा हुआ है एसी गाड़ी एक ट्रांसफार्मर में, और समझ लीजिए 3-3 मोहल्ले इससे जुड़े हुए हैं। आए दिन यही समस्या बनी रहती है। ये 2 साल से समस्या लगातार चली आ रही है, जो कि रक्षाबंधन से बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। ना तो सही से रह पाते हैं, ना चैन से सो पाते हैं, ना कुछ है। सब पूरा जीवन अस्त व्यस्त है लाइट के कारण। बहुत बड़ी समस्या है। हम डीएम साहब से मिलने गए, कुछ नहीं हुआ। तुलसीनगर वाले फीडर में गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। पीली कोठी में गए, हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मजबूरन हमको जो यहाँ खड़ा होना पड़ा। आज यहाँ पे कौन आया सुना है? अभी कोई नहीं है, चौकी इंचार्ज आए हुए हैं बस। क्या आश्वासन दे रहे हैं? बस वो आश्वासन दे रहे हैं, बुलवा रहे हैं अधिकारियों को, हमारे अधिकारियों से बात कर लो, और कुछ नहीं, ना बुलवा रहे हैं ना मिलवा रहे हैं। हम लोग अगले क्या रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे? रणनीति बस यही है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, संसद में बैठेंगे यहीं चौराहे।